नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में बड़ा ठंड का प्रकोप, आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलते रहता है। इस बदलते मौसम के साथ लगातार ठंड में भी इजाफा हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके साथ ही जिलों में सुबह शाम शीतलहर चल रही है, वहीं ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव जलाना शुरू कर दिया है। मैदानी क्षेत्रों में पाला और कोहरा बढ़ने से सुबह शाम में ठंड बढ़ रही है। उत्तराखंड में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड पड़ रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही पर्वतीय इलाकों में तापमान में खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी देहरादून में आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही सुबह के समय कुहासा रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज देहरादून में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। वहीं आज मसूरी में अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। राजधानी देहरादून में आज महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95.02 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 87.52 रुपए। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93.21 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 86.50 रुपए। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93.45 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 86.80 रुपए। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93.27 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 86.60 रुपए। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। जसपुर में सीएम की जनसभा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के जसपुर में पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। जसपुर के मंडी परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। वीरांगना सम्मान कार्यक्रम। खटीमा में आयोजित हो रहे वीरांगना सम्मान कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। कार्यक्रम में वीरांगनाओं को ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। रुद्रपुर जाएंगे यशपाल आर्य। कांग्रेस पार्टी का दामन थामने के बाद पहली बार रुद्रपुर पहुंच रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा स्वागत। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। देवस्थानम बोर्ड पर फैसला संभव। प्रदेश भर में तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी झेल रही धामी सरकार आज देवस्थानम बोर्ड को लेकर फैसला ले सकती है। मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में गठित मंत्रीगणों की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई है। हरदा की पदयात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज देहरादून में मलिन बस्ती समान अधिकार एवं बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ पदयात्रा निकालेंगे। वहीं कांग्रेस भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस पार्टी सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज से पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर पश्चिम तथा इससे सटे मध्य भारत में बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर उत्तराखंड के 3 जिलों पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। CBSE 10वीं एग्जाम। CBSE 10वीं टर्म फर्स्ट बोर्ड के मुख्य विषयों की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 11 दिसंबर तक एग्जाम होंगे। इग्नू में दाखिला की अंतिम तिथि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले की अंतिम तिथि आज है। पहले सत्र जुलाई 2021 में आवेदन की अंतिम तिथि को 30 नवंबर तक किया गया था। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद का बड़ा बयान, 2% नेता ही व्यक्तित्व के बल पर जीतते हैं चुनाव। गोवर्धन पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने सरोवर नगरी नैनीताल में बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल 2% राजनेता व्यक्तित्व के बल पर और 98% दूसरे हथकंडे अपनाकर चुनाव जीत रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता की वजह से धर्म प्रेमी राजनेता भी खुलकर भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रहे। उनके सामने दलिया या पार्टी का अनुशासन आड़े आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई है। 21वीं सदी की दुल्हन खुद कार ड्राइव कर पहुंची शादी के मंडप तक, जलवे देख बाराती दंग। आज समाज में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर बेखौफ आगे बढ़ रही हैं। ये उनकी आत्मनिर्भरता का ही नतीजा है कि वे अपने फैसले खुलकर ले रही हैं, जिससे वे अपना काम आसानी से कर। ऐसा ही नजारा रुड़की में देखने को मिला, जहां एक युवती अपनी शादी में खुद कार चलाकर मंडप तक पहुंची। दुल्हन के इस अंदाज को देखकर बाराती दंग रह गए। दरअसल सोमवार को रुड़की में बुलेट रानी की तर्ज पर एक दुल्हन अपने सपनों के राजकुमार से सात फेरे लेने के लिए खुद कार चलाकर मंडप तक पहुंची। खास बात यह है कि दोनों की लव मैरिज है। स्थायी नौकरी के लिए एड़ियां घिस रहे भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, जाने पूरा मामला।
भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और उत्तराखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान राजेंद्र धामी ने राज्य सरकार से स्थायी नौकरी देने की मांग की है। राजेंद्र धामी का कहना है कि पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष चौहान की पहल पर उन्हें खेल विभाग में कोच की नौकरी मिली है, मगर उन्हें महज 6000 रुपए ही वेतन मिल रहा है, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है। गन्ना किसानों के लिए सीएम की बड़ी घोषणा, अगेती का 355 और सामान्य का 345 रेट होगा। देहरादून के अनाथ आश्रम में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, पीड़िता 5 माह की गर्भवती। राजधानी देहरादून के खुड़बुड़ा पुलिस चौकी इलाके में स्थित एक अनाथ आश्रम में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी आश्रम का ही लड़का है, लड़का भी नाबालिग है। आश्रम प्रशासन ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मेडिकल में पीड़िता के 5 माह की गर्भवती होने की जानकारी सामने आई है। नाबालिग आरोपी को मंगलवार को बाल अदालत में पेश किया जाएगा। हरदा और यशपाल आर्य का ज्वाइंट एक्शन, बीजेपी को दिया झटका, 25 लोग कांग्रेस में शामिल। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हर्ष रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य एवं नैनीताल के निवर्तमान विधायक संजीव आर्य ने भीमताल के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हर्ष बिष्ट, भवाली नगर पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा समेत 25 ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त 6 लोग बीजेपी से निष्कासित, मदन कौशिक ने की कार्रवाई। बीजेपी संगठन ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त 6 लोगों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि नैनीताल के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट की जांच के आधार पर प्रदेश मदन कौशिक ने निर्देशन पर निष्कासन की कार्रवाई की है। इन नेताओं को 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। थराली में कर्नल कोठियाल का रोड शो, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का किया वादा। चमोली के थराली और नारायणबरगढ़ में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने रोड शो किया। कर्नल कोठियाल ने थराली के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि अगर आप सत्ता में आती है तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के साथ ही हर घर रोजगार और रोजगार न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। युवा मतदाताओं को लुभाने में लगी भाजपा, जोड़ने के लिए भाजपा युवाओं चलाएगा अभियान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा भी अपने अनुषांगिक संगठनों की मदद से चुनावी जीत को आसान करने के लिए तमाम कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस दिशा में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है युवा मतदाता टाउन हॉल रखा गया है। हल्द्वानी पुलिस का नार्को स्ट्राइक, स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, यूपी से लेकर आए थे नशे की खेप। ओमिक्रॉन पर धामी सरकार अलर्ट, प्रतिदिन 25,000 टेस्ट का लक्ष्य, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड के बढ़ते मामलों और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए सोमवार को सभी अधिकारी हालातों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने जानकारी लेते हुए सभी को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड में कोविड नियमों को सख्त करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एडवाइजरी का पालन किया जाए, इसके साथ ही फ्रंटलाइन वॉरियर्स की कोविड टेस्ट अनिवार्यता की बात भी सीएम धामी ने कही। कोरोना मरीज की सूचना न देना, निजी लैब को पड़ा भारी, स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई। निजी लैब द्वारा कोरोना मरीज की जानकारी छुपाने पर स्वास्थ्य महकमे में सख्त रुख अख्तियार किया। निजी लैब को स्वास्थ्य विभाग की टीम को एक कोरोना संक्रमित मरीज की जानकारी ना देना महंगा पड़ गया। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा लैब का यूजर पासवर्ड लॉक कर मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। हल्द्वानी में कमर्शियल वाहनों की फिटनेस ना होने से वाहन चालक परेशान। आरटीओ कार्यालय में फिटनेस सहित अन्य कागजात के लिए वाहन चालक पिछले 5 दिनों से परेशान है। आरटीओ कार्यालय के बाहर पिछले 5 दिनों में से भारी संख्या में कमर्शियल वाहनों का जमावड़ा लगा हुआ है। साथ ही वाहन चालकों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिसके चलते वो अपने वाहनों का संचालन नहीं कर पा रहे। वहीं वाहन चालकों ने विभाग से जल्द फिटनेस करने की मांग की है। रुड़की सड़क हादसे में पॉलिटेक्निक छात्र की मौत, छुट्टी पर आया था घर। रुड़की में बाइक सवार पॉलिटेक्निक छात्र अरुण की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के दौरान गैस सिलेंडर लेकर जा रहे अरुण के सिर पर सिलेंडर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार अरुण को टक्कर मारी थी। सितारगंज नगर पालिका परिसर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। सितारगंज नगर पालिका परिसर में बने गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इतना ही नहीं, आग पालिका के गोदाम के पास की दुकानों तक जा पहुंची। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। मसूरी माल रोड पर वेब सीरीज की शूटिंग से स्थानीय परेशान, यूनिट के साथ हुई नोकझोंक।
माल रोड पर आजकल 24 फ्रेम्स मीडिया द्वारा वेब सीरीज नजदीकियां की शूटिंग की जा रही है। शूट के दौरान रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जिसके कारण लोगों को परेशानियों से दो चार हाथ होना पड़ा। स्थानीय लोगों ने जब इस बारे में शूटिंग यूनिट के लोगों से बात की तो उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता की। इस दौरान शूटिंग यूनिट और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई। छात्रवृत्ति घोटाला। आरोपी दीपांकर घिल्डियाल को मिली अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के पूर्व सहायक समाज कल्याण अधिकारी और वर्तमान में नैनीताल के जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही मामले में सरकार से 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। देवस्थानम बोर्ड। मंत्रिमंडल हाई लेवल कमेटी ने एक दिन में पूरी की रिपोर्ट स्टडी सीएम को सौंपा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर फिर से विचार करने के लिए मंत्री गणों की हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट के परीक्षण और अध्ययन के बाद सोमवार शाम सतपाल महाराज ने रिपोर्ट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। रेल यात्री अब ले सकेंगे वेज चिकन बिरयानी का भी स्वाद, इतना रखा गया है दाम। ट्रेन में अब वेज बिरयानी और चिकन बिरयानी को स्टैंडर्ड मील के मेन्यू में शामिल कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड के अनुसार यात्रियों को वेज बिरयानी 80 और एग बिरयानी के लिए 90 रुपए देने होंगे। साथ ही चिकन बिरयानी के लिए 110 रुपए का मूल्य निर्धारित किया गया है। प्रेमिका के परिजनों ने शादी से किया इनकार तो प्रेमी ने किया हंगामा, मुकदमा दर्ज। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में परिजनों ने शादी करने से इनकार किया तो प्रेमी ने प्रेमिका के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। लड़की के परिजन उसे समझाते रहे लेकिन वह नहीं माना और शादी की जिद पर अड़ा रहा। प्रेमिका के परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस उसे थाने ले गई। पुलिस ने लड़की के परिजनों की तहरीर पर प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रुड़की। हरीश रावत के सामने आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, हंगामेदार रहा सदस्यता अभियान। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।